पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एचटीएमएल पढ़ा था कि उसे वेब पेज डिजाइन के लिए यूज किया जाता है, और हम इस वीडियो में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मार्कअप लैंग्वेज में डिफरेंस पढ़ने वाले थे। चलिए देखते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है, यानी ये एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। सबसे पहले ही हम जान लें कि ये एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है, यानी ये जो लैंग्वेज होती है ये यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज होती है। इससे मतलब मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए, यानी कंप्यूटर के रीडेबल लैंग्वेज में बदलने के लिए एक कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है, जबकि मार्कअप लैंग्वेज जो होता है वो यूज़र फ्रेंडली और कंप्यूटर फ्रेंडली दोनों होता है, यानी ये यूज़र भी समझ सकते हैं और कंप्यूटर भी समझ सकता है। ठीक है, हम दूसरे डिफरेंस पे चलते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम डिफरेंट तरह के सिंटैक्स पढ़ते हैं। जैसे एक सिंटैक्स ले लें हम इफ, यहाँ हम कंडीशन लिखते हैं, यहाँ हम स्टेटमेंट लिखते हैं, और यहाँ क्लोज हो जाता है। ऐसे तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जबकि हम मार्कअप लैंग्वेज में इस तरह के ब्रैकेट्स ज़्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जांपल बताते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एग्जांपल्स हैं जैसे पाइथन, सी, सी प्लस प्लस। मार्कअप लैंग्वेज के एग्जांपल्स हैं एचटीएमएल, एक्सएमएल। और जो हम लास्ट एक डिफरेंस पे चलते हैं, मेरी लास्ट डिफरेंस ये है और मेन डिफरेंस यही है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑर्डर देता है कंप्यूटर को आउटपुट लाने के लिए, और जो मार्कअप लैंग्वेज होता है वो एक डाटा के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए मेनली होता है। ये कंप्यूटर को कमांड देता है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर को कमांड देता है आउटपुट लाने के लिए, और मार्कअप लैंग्वेज हमारा जो होता है वो बस एक डाटा के स्ट्रक्चर को बनाता है। उसके डाटा को डिफरेंट स्ट्रक्चर को हम कैसे दिखा सकते हैं। थैंक यू।